अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा जो इस लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए? बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। अदर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है? यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। ठीक है बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए तुम उसे पढ़ाओ। के लिए जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा? बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट की फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा, कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया, हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखता है, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है। वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित
अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य नाटक और रोमांस का मिश्रण है। साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है, जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती हैं, जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती, तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। दन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनितेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा, खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कशिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार है। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिसे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए।
आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं, तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं, सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा? जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए, बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। अदर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का बढ़ाई का लक्षण दिखता है? यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए, तुम उसे पढ़ाओ। चलिए, जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा, तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा? बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है, जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट की फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज, एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है।
ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा, कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया, हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखता है, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है, वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य, नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती हैं जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। कुंदन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनीतेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है। शिक्षा खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है।
फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कसिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिसे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं, सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए? बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। सदर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है? बाहर निकलो क्लास से। एक साल का नुकसान क्यों? एक साल का, समझ रहे? यही
दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। क्या बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए तुम उसे पढ़ाओ। इसलिए जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा। बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट की फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा, कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया, हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखते हैं, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है, वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य, नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती हैं
जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। चंदन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनितेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है, और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कसिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा
जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं, सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा? जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए, बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। अदर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है? यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। ठीक है बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए, तुम उसे पढ़ाओ। इसलिए जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा। बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट की फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज, एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा। कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है, जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया,
हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखता है, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है। वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य, नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है, जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती है जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। कुंदन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनीतेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है, और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कशिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे
वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनु सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं, सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा? जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए, बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। लड़के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। नजर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है? बाहर निकलो क्लास से। 1 साल का नुकसान किया हो, 1 साल का, समझ रहे? यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए, तुम उसे पढ़ाओ। चलिए, जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा? बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं
और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट के फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा, कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया, हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखता है, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है। वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य, नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती है जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। कुंदन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है,
उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनीतेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा, खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कशिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिसे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है,
जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं, सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए। बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। अदर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है। बाहर निकलो क्लास से। 1 साल का नुकसान क्यों? 1 साल का, समझ रहे? यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। क्या बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए, तुम उसे पढ़ाओ। इसलिए जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा। बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट की फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज। एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा। कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया। हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखते हैं। खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है। वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है।
आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कसिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य, नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कसिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती हैं जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। चंदन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनितेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है, और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है। जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कसिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक
अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिसे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आम तौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं, सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा? जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए, बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। अगर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है तो क्लास से 1 साल का नुकसान क्यों? 1 साल का, समझ रहे? यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। क्या बेटा, वो तुम्हें पढ़ाए, तुम उसे पढ़ाओ। इसलिए जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा? बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टार कास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी,
और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट के फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज, एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टार कास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा, कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया, हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखते हैं, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है, वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य, नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती हैं जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। कुंदन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार
और नवनीतेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा, खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कशिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिसे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ,
बड़ा स्टारकास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन अनोखी कहानी। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। जो लड़कन लोग हैं सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा, जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाए। बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसका ब्याह करेंगे। तो मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। अदर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का वढ़ाई का लक्षण दिखता है। यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। हम बस उसे पढ़ाना ही तो चाहते हैं। बेटा वो तुम्हें पढ़ाए, तुम उसे पढ़ाओ। चलिए, जब तक महिला को सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा। बनारस के एक ग्रामीण इलाके की सीधी सादी लड़की गीता पढ़ाई करके और मैट्रिक परीक्षा पास करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती है। गीता एक ऐसे गांव में रहती है जहां महिलाओं की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन गीता के प्रगतिशील पिता विद्याधर उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और उसे शादी करने की भी इजाजत नहीं देते। हालात ने गीता को ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया जहां उसे अपनी परीक्षाएं पास करनी थी, अपने पिता का विश्वास जीतना था और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाना था। क्या गीता बाधाओं को पार कर पाएगी? क्या वो रूढ़िवादी समाज में एक मिसाल बन पाएगी? आयुष्मती गीता मैट्रिक पास इसी कहानी पर आधारित बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास में कोई बड़े स्टारकास्ट या भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी कहानी और आकर्षक पटकथा है जो निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए भरपूर खुराक चुगाएगी। बड़े बजट की फिल्मों के दौर में छोटी फिल्में अक्सर ज्यादा शोर मचाती हैं। पिछले साल 12वीं फेल आई और अपनी दमदार कहानी से दर्शकों की कल्पना पर छा गई। इसी तरह और एक मूवीज है जिसकी बजट बहुत कम है, जैसे कि लापता लेडीज एक ऐसी मूवी बनी जो 2025 के लिए भारत की ऑस्कर के रूप में चुना गया है। ये उदाहरण साबित करता है हमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्टारकास्ट, भव्य सेट, घटिया आइटम नंबर और बेहुदा एक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास भी एक और ऐसी ही फिल्म है जो इस सूची में शामिल होने के योग्य है। आयुष्मती गीता का मूल कथानक कोई नया नहीं है, हमने इसके बारे में सुना है या अखबारों में पढ़ा भी होगा, कुछ हद तक ये काफी हद तक पूर्वानुमानित भी है, लेकिन फिल्म की पटकथा की वजह से ये फिल्म अच्छी लगती है जो दूसरे भाग में और मजबूत हो जाती है। पहले भाग में गीता और उसके पिता के बीच के बंधन को दर्शाया गया, हमें रूढ़िवादी लोगों से भी मिलवाया जाता है जो सोचते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। गीता और कुंदन की प्रेम कहानी बचकानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता भी परिपक्व हो जाता है। फिल्म में तीनों अभिनेताओं का अभिनय आपको बांधे रखता है, खास करके गीता के रूप में कशिका कपूर पूरी तरह चमकती है। वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाती है। इस फिल्म में पेपर लीक घोटाले का भी पटकथा अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और ये कथा को एक नया मोड़ देता है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास ने एक हुनहार कशिका कपूर को सामने लाया। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक हृदय स्पर्शी फिल्म है जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में लिपटी हुई है। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और ग्रामीण भारत में सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रदीप खेरवार द्वारा निर्देशित
अपनी पहली फिल्म में इस फिल्म में हास्य नाटक और रोमांस का मिश्रण है, साथ ही शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक मजबूत संदेश भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम निर्देशन की बात कहें, प्रदीप खैरवार की पहली फिल्म है और ये तारीफ के योग्य भी है। फिल्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट है, जहां सामाजिक मानदंड अक्सर एक युवा महिला के जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी गीता त्रिपाठी यानी कशिका कपूर पर आधारित है, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती हैं, जो अपनी 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए बार बार संघर्ष करती हैं। उसके पिता विद्याधर त्रिपाठी अतुल श्रीवास्तव उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा उसे शादी में बसाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती, तब तक उसकी शादी ना करने की उनके सख्त रुख से तनाव पैदा होता है, खासकर तब जब गीता के लिए एक आशाजनक विवाह प्रस्ताव इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। दन अनुज सैनी एक साधारण लड़का है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। ये विवाह समारोह में गीता से प्यार करता है। उनके परिवार द्वारा उनकी शादी के लिए बातचीत शुरू करने के बावजूद गीता के परीक्षा परिणाम एक बार फिर निराश लेकर आते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उसके पिता का आग्रह जटिलताओं को जन्म देता है, खासकर जब कुंदन की माँ मालती इस शर्त को अनुचित मानती हैं। इसके बाद फिल्म गीता के अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के संघर्ष को दिखाती है, जबकि उसे कुंदन से मिलने वाले प्यार और समर्थन से जूझना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक प्रतिरोध, आत्मनिर्णय और एक मधुर लेकिन चुनौतीपूर्ण रोमांस की यात्रा होती है। लेखक प्रदीप खैरवार और नवनितेश सिंह ने एक बेहद प्रासंगिक और जानी पहचानी कहानी पेश की है, शिक्षा, खास तौर पर ग्रामीण भारत में लड़कियों के लिए एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। और ये फिल्म कई परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक दुनिया के संघर्षों को दर्शाती है, जबकि फिल्म जानी पहचानी जगहों को कवर करती है, ये विषय को ईमानदारी से पेश करती है। फिल्म की एक खूबी ये है कि ये पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक विचारों और गीता और कुंदन जैसे युवा व्यक्तियों को उभरते विचारों के बीच के अंतर को उजागर करती है। फिल्म सूक्ष्म रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों की आलोचना करती है, जबकि महिला शिक्षा के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाती है। फिल्म में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लग सकता है फिल्म थोड़ी खींची हुई है, खासकर बीच में, लेकिन कुल मिलाकर गति दर्शकों को बांधे रखती है। गीता के रूप में अपनी पहली भूमिका में कशिका कपूर निसंदेह फिल्म की स्टार हैं। एक गांव की लड़की का उनका चित्रण जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, सूक्ष्म और विश्वसनीय है। वो गीता की मासूमियत और शांत दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से व्यक्त करती है, जिससे वो एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जिसे दर्शक पसंद कर सकते हैं। कपूर अपनी भूमिका में एक स्वाभाविक आकर्षण लाती हैं जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। कुंदन के रूप में अनुज सैनी ने गीता के किरदार को बखूबी निभाया है। पारंपरिक पुरुष अहंकार से अलग हटकर एक सहायक साथी की भूमिका में उनका अभिनय ताजगी भरा है। कपूर और सैनी के बीच की केमिस्ट्री कोमल लेकिन विश्वसनीय, जो उनके प्रेम कहानी में गहराई को जोड़ती है। गीता के पिता की भूमिका निभा रहे अतुल श्रीवास्तव भी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। सामाजिक अपेक्षाओं से ज्यादा शिक्षा को महत्व देने वाले प्रगतिशील पिता के रूप में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला है और आश्वस्त करने वाला है। कुंदन की माँ के रूप में अलका अमीन ने हास्य और गंभीरता के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में जटिलता की और अतिरिक्त परत जुड़ी गई है। प्रणय दीक्षित सहित सहायक कलाकार बहुत जरूर हास्य प्रदान करते हैं, जिसे सुनिश्चित होता है कि फिल्म अपने सामाजिक संदेश के साथ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए।
आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की शूटिंग ग्रामीण परिदृश्य को खूबसूरती से दर्शाती है, जो कहानी में प्रामाणिकता जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के सुंदर दृश्यों के साथ गांव की शूटिंग, जिसमें प्रतिष्ठित बनारस भी शामिल है, फिल्म की एक अभिन्न अंग लगता है, जो कहानी को बहुत ही वास्तविक संदर्भ में स्थापित करता है। दृश्य फिल्म के स्वर को पूरक बनाते हैं, जिसे इसे एक व्यवहारिक आकर्षण मिलता है जो कथा के अनुकूल है। संजीव आनंद का संगीत मधुर है और फिल्म की मूड के अनुकूल है, हालांकि एक प्रमुख तत्व के रूप में सामने नहीं आता। रेखा भारद्वाज द्वारा किए गए रंगरेजा जैसे ट्रैक एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और फिल्म की भावना तक गहराई को बढ़ाते हैं। हालांकि फिल्म अपना मुख्य संदेश देने में सफल रही, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। पटकथा हालांकि आमतौर पर आकर्षक है, लेकिन कभी कभी इसमें कसावट की कमी होती है। कुछ दृश्य, विशेष रूप से शिक्षा घोटाले के उपकथानक से जुड़े दृश्य, कम विकसित लगते हैं, जिसे दर्शक अधिक सुव्यवस्थित फोकस की इच्छा रखते हैं। गति हालांकि आमतौर पर स्थिर है, फिल्म के बीच में कुछ अधिक दोहराव वाले क्षणों को कम करके इसे बेहतर बनाया जा सकता था। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश देती है, जो एक सरल लेकिन आकर्षक प्रेम कहानी में निपटी हुई है। ये फिल्म महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है। इस फिल्म को देखने के बाद हम इस मूवी को अगर रेटिंग देते हैं तो हमारे तरफ से 5 से 2 स्टार मिलते हैं। एक अच्छी कहानी में बनी हुई, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी। आप समय निकालकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, भव्य बजट नहीं है, लेकिन एक अनोखी